हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस टुडे आई विल बी डीलिंग विद द फिफ्थ चैप्टर ऑफ द लिटरेचर बुक ऑफ क्लास फोर द बुक ऑफ द नेम ऑफ द बुक इज अशर इन द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ विजिटर फ्रॉम फेरी लैंड सो वी विल बिगिन द चैप्टर पीटर ट्वेल्व अमीना टेन आर ब्रदर्स ब्रदर एंड सिस्टर देर पेरेंट्स आर नॉट एट होम दे विल बी बैक इन द आफ्टरनून पीटर एक बारह साल का लड़का है उसकी बहन अमीना टेन ईयर्स की है वो लोग ब्रद भाई बहन है उनके पेरेंट्स उनके मम्मी पापा घर पे नहीं है वो लोग दोपहर के समय लौटेंगे अब पीटर तो अमीना में बातचीत हो रही है पीटर वॉट आर यू गोइंग टू डू अमीना लेट्स टेल ईच अदर समेरी टेल्स अमीना बच आई हैडक पीटर प्लीज गिव मी सम वॉटर पीटर आई कैन गिव मेडिसिन फॉर योर हैडक गोस इन साइड एंड कम्स बैक विथ वाटर इन वन हेंड एंडस्ट्रीप ऑफ टेबलेट्स इन द अदर

चलो एक दूसरे को कुछ फेरी टेल्स बोलते हैं फेरी टेल्स क्या होता है परियों की कहानियां होती है अमीना बोली पर मुझे हेड हो रहा है हेडक मतलब हेड में एक होना मतलब सर दर्द हो रहा है पीटर मुझे थोड़ा वाटर दो तो पीटर बोलता है कि मैं तुमको मेडिसिन भी दे सकता हूँ हेड एक के लिए मेडिसिन दे, दे सकता हूँ वह अंदर जाता है एक ग्लास में पानी लाता है और एक मेडिसिन ले आता है आके बोलता है कि ये मेडिसिन मैंने देखा है जब भी मम्मी को हेडेक होता है मम्मी ये मेडिसिन खाती हैं ठीक है मतलब एक स्ट्रिप ऑफ टैबलेट्स बोला आता है स्ट्रिप ऑफ टैबलेट्स मतलब टैबलेट की पूरी पत्ती है एक जिसमें बहुत सारे टैबलेट्स रहते हैं वो वो लेके आता है अमीना को वो मेडिसिन दे देता है अमीना मेडिसिन खा के अचानक से सोफा पे बैठ जाती है और फिर लेट जाती है अब क्या करे पीटर घबरा जाता है अमीना एमी, पूरा कैसे सोने जैसे हो गई लग रहा है जैसे सो पड़ी है तभी रूम में एक पूरी रोशनी घुसती है रोशनी आती है रोशनी में वो देखता है कि एक फेरी आ रही है एक परी आ रही है उसके ऊपर उसके पीठ के ऊपर दो पंख लगे हैं, हुए हैं उसने पे एक कॉरोनट पहना हुआ है मतलब एक क्राउन जैसा पहना हुआ है उसके हैंड में एक स्टिक है जैसे फेरी लोग का मैजिक स्टिक होता है ना वैसे ही है और वो फेरी पूरी व्हाइट कलर के ड्रेस में आ रही है ठीक है फेरी पीटर डोंट वरी शी हैज जस्ट फेंटेड लेट हर रेस्ट फॉर टाइम पीटर

तो पीटर बोलता है तुम कौन हो आप कौन है तो वो बोलती मैं एक फेरी हूँ फेरी लैंड से आई हूँ तो फिर वो बोलती है कि मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ स्पेशली बच्चों की मदद करती हूँ तो वो बोला पीटर आप मेरा नाम कैसे जानती हैं तो वो बोलती है मैं सब कुछ जानती हूँ मेरे पास स्पेशल पावर है स्पेशल शक्तियां हैं मेरे पास जो तुम लोगों के पास नहीं है मैं तुम्हारे पृथ्वी पे अपने दोस्तों के साथ अपने कॉम्पेनियंस मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ में आती थी पर अब मेरी पृथ्वी पे नहीं आना चाहती है है धरती पे नहीं आना चाहती पीटर फेरी वी लाइक मेडोज एंड ग्रीन वैलीज कवर्ड फ्लावर्स नाउ मैन हैज बिकम थॉटलेस ही इज डिस्ट्रॉइंग ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ पीटर बट यू सी आवर सिटीज हाउ कैन वी लिव इन प्लेसेज वेयर देर आर नो रोड्स एंड कार्स पीटर बोलता हैं क्यों आपकी uh, जो फ्रेंड्स है वो और अर्थ पे आना नहीं चाहती है तो फेरी बोलती है कि हम लोग को बड़े बड़े बागान जो होते हैं जिनमें हरी हरी घाटिया होती है हा घाटिया क्या होती है दो पहाड़ के बीच की जगह पे जो प्लेन लैंड होता है उसको वैली बोलते हैं जहाँ पे बहुत ग्रीनरी होता है तो बोली हम लोग को ग्रीन वैलीज और बगान सब जो होते हैं बड़े बड़े खुले खुले मैदान जहां बहुत फ्लावर्स और ट्रीज लगे रहते हैं वो सब हम लोग को अच्छा लगता है जहां झाड़ियां हों फूलों की झाड़ियां हो वहां हम लोग को अच्छा लगता है पर अब इंसान क्या बन गया है थॉटलेस बन गया है मतलब कि इंसान के अब सोचने की शक्ति कम हो गई है वो जितना भी अर्थ का ब्यूटी है सुंदर जगह जितना भी अर्थ में सबको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है नष्ट कर रहा है तो पीटर बोला कि आपने तो देखा ही होगा हमारे सिटीज को हम लोग ऐसी जगह पे कहां रह कैसे रख सकते हैं जहां पे रोड भी नहीं हो कार भी नहीं हो ऐसी जगह पे तो रहना मुश्किल है फेरी सिटीज आर गुड But you have no right to destroy nature. If you are unkind to nature, nature will turn unkind to you. Peter, would you please cure amina? Fairy, yes, I will. Fairy touches amina with her stick and amina opens her eyes. Do you know what happened to amina? Peter, no, I don't know. Fairy, your house is near a busy street. Continuous intake of polluted air has choked her. That is why she has a headache. But, Peter, you also have done a wrong thing. यू हैव गिवेन टैबलेट इट वॉज नॉट फॉर चिल्ड्रेन डॉक्टर हैड गिवेन इट फॉर योर मदर ठीक है तो फेरी क्या बोलती है उसको कि हाँ सिटीज अच्छे होते हैं रोड्स होते हैं कार्स होते है पर तुम लोग को तो ये अधिकार नहीं है कि तुम लोग नेचर को प्रकृति को डिस्ट्रॉय करोगे तुम लोग अगर प्रकृति के प्रति दयालु नहीं रहोगे ह्रूयल हाँ? बिहेवियर करोगे खराब बिहेवियर करोगे प्रकृति के प्रति तो ये जो नेचर है प्रकृति है वो तुम्हारे साथ भी क्रूएल बिहेवियर करेगी नेचर हमारे साथ कैसे क्रुएल बिहेवियर कर सकता है ये जो इतने तूफान आएंगे साइक्लोन्स आएंगे और सूखा पड़ेगा या बहुत ही बाढ़ आएगी बहुत बारिश होने लगेगी ये एक तरीका है कि नेचर हम लोग के साथ अनकाइंड हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने नेचर से खिलवाड़ किया हम लोगों ने नेचर से कैसे खिलवाड़ किया है बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं नए पेड़ नहीं लगाते पे पॉल्यूशन करते जाते हैं हम इतने व्हीकल्स जहां पास पास भी जाना है हम स्कूटर कार ये सब से चले जाते हैं जो कि हम साइकिल से भी जा सकते हैं ताकि पोल्यूशन नहीं हो तो हम पोल्यूशन फैला रहे हैं पेड़ काट रहे हैं इस तरह हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तब पीटर क्या बोलता है कि ठीक है आप क्या अमीना को क्योर कर सकती है तो फेरी बोली हाँ वो अपने स्टिक से टच करती है अमीना को और अमीना अपनी आंखें खोल देती है तब पीटर बोलता है कि वो फेरी बोलती है पीटर को तुम जानते हो उसको क्या होता पीटर बोला नहीं तो वो बोलती है कि ये जो तुम्हारे घर है पूरा बिजी स्ट्रीट के पास है हा? मतलब कि तुम्हारे घर के आसपास से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती रहती हैं और हमेशा जो है पोल्यूटेड एयर हवा जो धूल भरा है और बहुत ही स्मोक है उसमें धुआं हुआ भरा हुआ एयर जो है वो हमेशा तुम्हारे घर में आता रहता है तो वो ही एयर जो है पोल्यूटेड एयर वो तुम लोग सांस लेते हो जिसके कारण चोक हो गई है अमीना मतलब उसके लंग्स वगैरह में वो एयर भर गया है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसीलिए उसको हेडक भी हो रहा है पर तुमने गलत काम किया पीटर तुमने अपने मन से उसे मेडिसिन दे दिया वो मेडिसिन तो बच्चों के लिए था नहीं वो तो तुम्हारी मम्मी के लिए था तो पीटर बोला आई एम सॉरी आई डिड इट इन हेस्ट डोंट डू दिस अगेन ऑलवेज टेक मेडिसिन विद डायरेक्शन फ्रॉम योर एल्डर्स फेरी टच अमीना अगेन विथ हर स्टिक एंड अमीना गेट्स अप फ्रेश एंड चेयरफुल पीटर यू आर सो काइंड लेट अर्स बी फ्रेंड्स फेरी दैट्स ऑल राइट बट वी डोंट लाइक टू कम टू सिटीज 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 विल टर्न इंटू फाइंड वी ओनली कम टू हेल्प गुड चिल्ड्रेन वेन दे आर इन ट्रेवल माई फ्रेंड्स आर लिविंग नियर द ब्रूक्स दैट है एंड प्योर वाटर ठीक है वो क्या बोलती हैं टर को बोलती है कि तुमने ये मेडिसिन अपने मन से देखकर गलती की वो तुम्हारी मम्मी के लिए था वो डोज तो तुम्हारी बहन के लिए था नहीं तुम्हारी बहन बच्चों के लिए तो अलग मेडिसिन होता है तो पिटर बोला आई एम सॉरी आई डिड इट इन हेस्ट मैंने हड़बड़ी में यह काम कर दिया मेरी आई एम सॉरी तो फेरी बोलती ठीक है तुम दोबारा ऐसा मत करना हमेशा मेडिसिन अपने पेरेंट्स के डायरेक्शन से एल्डर्स के डायरेक्शन से ही देना मतलब अपने बड़े लोगों से पूछ के ही देना फेरी फिर से अमीना को टच करती है अमीना ने तो पहले ही अपनी आंखें खोल दी थी अब वो खुशी खुशी उठ के बैठ जाती है तो पीटर बोलते हैं आप कितने दयालु हैं आप हमारी फ्रेंड बनेंगी तो बोली हाँ हम तुम्हारी फ्रेंड तो बन सकते हैं पर हम लोग को सिटीज आना अच्छा नहीं लगता है क्यों सिटीज जो है सिटीज विल टर्न अस इनटू है ना मतलब ये जो सिटीज है वो हमें डेविल में हाँ, हम तो परिया है हमें वो दानव में चेंज कर देंगे सिटीज हाँ हम इसलिए सिटीज आना नहीं चाहते हैं मेरी जो फ्रेंड्स है वो लोग कहाँ रहना चाहती हैं जो ब्रूक्स है मतलब छोटे जो झरने हैं या नदियां हैं उनके पास जो क्लीन और प्योर वाटर होता है झरने के पास मेरी फ्रेंड्स वहीं पे रहती हैं ठीक है थीके? हम बस पृथ्वी पे तभी आते हैं जब अच्छे बच्चों की मदद करने के लिए आते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं हम फेरी कहती है अमीना कहती है थैंक यू फेरी फेरी यू आर वेलकम अमीना हैव चॉकलेट्स फेरी स्ट्रेचेस हर हैंड एंड शी गेट्स चॉकलेट्स इन हर हैंड शी गिव्स देम टू बोथ द चिल्ड्रेन बोलती है की थैंक यू फेरी आपने मुझे ठीक कर दिया है तो फेरी बोलती है यू आर वेलकम तुम्हारा स्वागत है अमीना लो सब कुछ चॉकलेट्स का वो अपने हाथ ऐसे आगे बढ़ाती है उनके हाथ में जादू से कैसे होते हैं चॉकलेट्स आ जाते हैं है ना और वो दोनों बच्चों को दे देती हैं फिर वो उनको एक एडवाइस देती है सलाह देती है कि प्यारे बच्चों जब तुम बड़े हो जाओगे पेड़ मत काटना एनिमल्स को मत मारना न? दूसरे क्रिएचर दूसरे जो प्राणी इस अर्थ में उनको हर्ट मत करना उनको परेशान मत करना इस अर्थ को ग्रीन और ब्यूटीफुल रहने देना है ना पेड़ मत काटना एनिमल्स को नहीं मारना दूसरे क्रिएचर्स को नहीं मारना और खूब पेड़ लगाना ब्यूटीफुल बना के रखना एमीना बोली हाँ फेरी हम आपकी बातें अपने माइंड में रखेंगे और इसी तरह काम करेंगे पीटर बट विल यू टेक अस वन डे टू द फेरी लैंड वी हैव ओनली हर्ड अबाउट इट इन स्टोरीज फेरी नो बट आई विल विजिट यू अगेन बाय बाय फेरी वैनिशेस पीटर कहता है कि फेरी हम लोग तो आपकी बात ध्यान में रखेंगे पर किसी दिन आप फेरी लैंड हम लोग को ले जाएंगी हम लोगों ने सिर्फ उसके बारे में स्टोरी में ही पढ़ा है फेरी बोली नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं पर मैं तुम लोग को दोबारा से मिलने आऊंगी फिर वो बाई बोल के उनको वेरी गायब हो जाती है वेरी वैनिशेस मैंने इस चैप्टर का लेसन को कंप्लीट कर दिया है और इस चैप्टर का सोल्यूशन भी मैंने वीडियो में करके छोड़ा है इसका सोल्यूशन मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं और आप लोग मेरे इस ये स्टोरी पसंद आया बच्चे ना इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए मेरे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी इस स्टोरी को अच्छी तरीके से समझ सके थैंक यू